गलत को गलत कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कोई डर के चुप हो जाता है तो कोई अपनी आवाज से अपना नाम अमर कर जाता है। ऐसी ही एक बुलंद और बेखौफ आवाज थी सत्येंद्र कुमार दुबे की। 1973 के बिहार के सिवान जिले के एक गांव शाहपुर में जन्मे थे सत्येंद्र दुबे। बिहार के अन्य गांवों की तरह इस गांव तक भी विकास नहीं पहुंच पाया था। विकास को पहुंचते पहुंचते रात हो जाया करती और गांव में तो बिजली थी नहीं, तो भला विकास कैसे रास्ता ढूंढ पाता इस गांव का। भले ही इस गांव में बिजली तक नहीं थी, लेकिन ये गांव इस बात से अनजान था कि उनके गांव में एक ऐसे सूरज ने जन्म लिया है जो यहां का नाम रोशन करेगा। 15 साल की उम्र तक सत्येंद्र ने शाहपुर के ही हाई स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने इलाहाबाद के जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। सत्येंद्र ने न केवल 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा टॉप की, बल्कि इंजीनियरिंग IIT प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के जाने माने IIT कॉलेज IIT कानपुर में प्रवेश पा लिया। यहां से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सत्येंद्र दुबे ने IIT BHU वाराणसी से अपना MTech पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्येंद्र ने किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने की बजाय भारतीय अभियांत्रिकी सेवा में जाना सही समझा। ये परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने वर्ष 2002 में NHAI में सेवाएं स्वीकार की। सत्येंद्र को औरंगाबाद से बाराचट्टी के बीच बन रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए कोडरमा झारखंड में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उसी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा था जिसके अंतर्गत 14,000 किलोमीटर के अंदर कई बड़े शहरों को 4-लेन सड़क द्वारा जोड़ा जाना था। इसकी लागत $10 बिलियन बताई गई थी। जैसे जैसे सत्येंद्र अपनी नौकरी में दिन बिताते गए, वैसे वैसे उन्हें आभास होने लगा कि इस परियोजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं चल रही हैं। उन्होंने देखा कि विभाग के ठेकेदारों और इंजीनियरों की साठगांठ से भ्रष्टाचार का धंधा खूब फल फूल रहा था। उन्होंने अपने ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें निलंबित कर दिया। ये सत्येंद्र की पहली सफलता थी, लेकिन जब तक वो इस पर खुश होते तब तक उन्होंने पाया कि बात केवल इतनी सी नहीं है। यहाँ तो जड़ से फुनगी तक हर कोई भ्रष्टाचार के रंग में रंगा हुआ है। सत्येंद्र हार मानने वाले नहीं थे। एक बार उन्होंने पाया कि 6 किलोमीटर दूरी की सड़क जो अभी हाल ही में बनी थी उसकी हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। उन्होंने उस रोड बनाने वाले ठेकेदार को तलब किया तथा 6 किलोमीटर की सड़क को दोबारा से बनवाया। सड़क माफियाओं को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह से सत्येंद्र माफियाओं से लेकर नेताओं तक की नजर में आ गए, लेकिन यहां परवाह भला किसे थी। ऐसे ही सत्येंद्र ने कई ठेकेदारों को सबक सिखाया, लेकिन इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा तथा उनके न चाहते हुए भी उनका ट्रांसफर गया कर दिया गया। भले ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन सत्येंद्र नहीं बदले। जैसे कि उन्होंने मन ही मन में ठान लिया हो बदलाव लाने का। बीतते समय के साथ सत्येंद्र एक बात जान चुके थे कि ऐसे ठेकेदारों और कर्मचारियों को निकालने से कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ये सब रुकने वाला नहीं है, उन्हें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अपने चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार में जैसे सत्येंद्र घुट रहे थे, वो जानते थे कि वो यहां किसी की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब या तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर अपना मुंह खोलने से डरते हैं। ये 2002 सन था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। सत्येंद्र ने सोच लिया कि वो इसकी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री से करेंगे। यही सोचकर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सत्येंद्र ने अपने आसपास व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोशनी डालते हुए उन अधिकारियों की तरफ इशारा भी किया जो संदेह के घेरे में थे। उन्होंने अपनी इस गोपनीय चिट्ठी की शुरुआत में लिखा कि किसी तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्र के लिए अद्वितीय महत्व रखता है, लेकिन यहां जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हर तरफ भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है। अपनी इस चिट्ठी का अंत सत्येंद्र ने इस बात के साथ किया कि मैं इस चिट्ठी में केवल वे समस्याएं लिख रहा हूं जिन पर कोई प्रतिक्रिया लेना मेरी क्षमता से बाहर है। जो मेरे बस में है उन पर हमेशा मेरी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ सत्येंद्र ने इन सब में रूस, चीन और दक्षिणी कोरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मिलीभगत की बात भी चिट्ठी में लिखी।
सत्येंद्र जानते थे कि इस चिट्ठी में उनका नाम सामने आते ही उनके और उनके परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री से ये विनती की कि उनका नाम गोपनीय रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनकी लिखी ये चिट्ठी एक साल तक अलग अलग संगठनों में घूमती रही। इस गोपनीय चिट्ठी के बारे में शायद वो भी जान गए जिनकी तरफ इसमें इशारा किया गया था। वर्ष 2003 था, तारीख 27 नवंबर थी। सत्येंद्र वाराणसी से एक विवाह समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि वो उन्हें गया स्टेशन लेने पहुंच जाए। भोर के 3 बजे थे, अंधेरा अभी छटा नहीं था। सत्येंद्र गया स्टेशन पर पहुंचे, देखा तो उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर अभी तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने घर फोन किया तो ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में खराबी आ गई है। सत्येंद्र स्टेशन से बाहर आए और एक रिक्शा कर लिया। रिक्शा उन्हें लेकर स्टेशन से उनके घर की ओर बढ़ा तो सही, लेकिन वो फिर कभी घर नहीं पहुंचे। वो बीमारी जिसे ईमानदारी कहा जाता है ने उनकी जान ले ली। अगली सुबह उनकी लाश गया की एपी कॉलोनी के पास सड़क किनारे पाई गई। सत्येंद्र दुबे की हत्या का केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने धारा 120 बी आपराधिक खड़यंत्र, इंडियन पेनल कोड की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट के मामले में 14 दिसंबर को किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। दर्ज केस इस शक पर आधारित था कि सत्येंद्र की हत्या बिल्डर माफिया द्वारा रचे एक खड़यंत्र के तहत हुई है, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच के बाद इसे स्थानीय अपराधियों द्वारा की गई लूट में हुई हत्या बताया। इस सारी घटना को महज 4500 रुपयों की लूट के कारण की गई हत्या बताया गया। इस केस का इकलौता गवाह वो रिक्शा चालक जिसका नाम प्रदीप कुमार था, साल भर बाद गायब हो गया।